किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा एक बार किया गया प्रयास मुकबिल नहीं होता। सफलता पाने के लिए व्यक्ति को रोजाना पिछले दिन के मुकाबले अधिक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब सफलता हासिल होती है तो उसकी मेहनत की गवाही समाज का प्रत्येक व्यक्ति देता है। इस बात का उदाहरण हरियाणा पुलिस में हवलदार के पद पर तैनात गाँव जुप्पा निवासी लोकराम नेहरा हैं, जो पिछले करीबन 7 वर्षों से लगातार पौधारोपण अभियान चलाए हुए हैं। इतने वर्षों के दौरान वे हर रोज कम से कम एक त्रिवेणिया पौधारोपित कर चुके हैं। अब तक नेहरा 8,000 से अधिक पौधे रोपित कर चुके हैं, जिनको से अनेक पौधे अब वृक्ष बनकर इनको नहीं बल्कि और इंसानों को, पक्षी पक्षियों को प्रेरणा दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, छांव दे रहे हैं, अनेक प्रकार की औषधि व पशु पक्षियों के लिए उनके आशियाने बने हुए हैं। पौधारोपण अभियान की जानकारी देते हुए हवलदार लोकराम नेहरा ने बताते हैं कि वैसे तो उन्हें बचपन से हरियाली व पौधारोपण का शौक था तथा कभी कभार पौधारोपित करते भी रहते थे। आज उन्होंने अपने जन्मदिन के ऊपर भिवानी में शंकर नर्सरी के सामने सैकड़ों की संख्या में पौधे बांटकर लोगों को जागरूक किया। देखिए एक रिपोर्ट। आज मेरा 40वां जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने एक पानी की स्टॉल लगाई है और हम किसी हर जो यहाँ पानी पी रहे हैं और मेरी टीम के साथ हम मिलकर रहने हर एक बंदे को हम एक पौधा दे रहे हैं। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, यहाँ से पौधे लें या कहीं से भी लें, एक पौधा अपने जीवन में एक पौधा लगाएं, उसी को पेड़ बनाएं। आज ये जो गर्मी आप देख रहे हो, कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, ये गर्मी बढ़ने का कारण एक ही है क्योंकि पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है, हर लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनको पेड़ बनाएं। हमारे लोकराम जी का जन्मदिन है, इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधे भी बांटे जा रहे हैं और पानी पिलाया जा रहा है। और अपने जीवन में एक पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम जलते हैं एक पौधा तो चाहिए चाहिए, एक और लगा दो लगाने चाहिए, है ना। जय हिंद। जाओ जी लोकराम जी, इस साइड आ जाओ 2 मिनट। आज हमारे मेरे बड़े भाई लोकराम नेहरा जी का जन्मदिन है और ये पहले भी त्रिवेणी लगाकर इन्होंने बहुत से पर्यावरण को बढ़ावा दिया, जैसे हमें भी जागरूक किया, भाई को भी जागरूक किया है और हमारे जैसे शंकर नर्सरी से मोहन जी हैं, चंद्र मोहन जी हैं, ये भी हमेशा किसी भी को भी अगर किसी को भी त्रिवेणी लगानी हो तो हमेशा ये दान दे देते हैं कि भाई अगर आपको त्रिवेणी जीवित रखनी है तो ये हमेशा कोई भी पर्सन हो भिवाणी के अंदर जिसको त्रिवेणी लगानी हो तो भाई चंद्र मोहन से ले जा सकता है, शंकर नर्सरी से, जो कि भाई पर्यावरण को इतना बढ़ावा देते हैं। ये जो गर्मी देख रहे हो आप, इतने पेड़ कट रहे हैं, रोड बन रहे हैं, रोड तो चलो भी बनेंगे, यातायात के लिए बनाने पड़ेंगे, लेकिन आप अपने खुद के ऊपर, सरकार तो लगा ही रही है लेकिन आप खुद भी जागरूक हो, आपके बेटी के जन्मदिवस पर, आपके भाई के जन्मदिवस पर, अपने पिता के जन्मदिवस पर या फिर एक अपनी माँ के लिए एक पौधा ज़रूर लगाए। कोई भी भाई बंधु अपना एक माँ के लिए पौधा जरूर लगाए। धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्र लोकराम नेहरा जी का जन्मदिन है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं भाई लोकराम जी को, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं लोकराम जी को। मित्र लोकराम जी का जन्मदिन है और मैं उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और लोकराम जी अपने जन्मदिन पर पेड़ बांट कर लोगों को जागरूक करते हैं कि वह पेड़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली उत्पन्न करवाए ताकि हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है। और लोकराम जी बार बार लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक करते हैं और जगह जगह पेड़ लगाते रहते हैं।